हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम आलू और करेला का भुंजिया बनाने वाले हैं। यदि आपको मेरा तरीका जानना है तो आप लोग मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप सभी का मेरे ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए हम इसको अभी काट लेते हैं, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम करेला और आलू को काट कर अच्छे से धो लिए हैं और कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, सरसों का तेल। और तेल गरम होने के बाद इसमें लाल मिर्च डाल देते हैं। फिर हम इसमें करेला और आलू को डाल देंगे। और डालने के बाद है जो कि इसे हम कलछुल की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बढ़िया से मिक्स हो जाए। उसके बाद में हम इसे ढक्कन से ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी देर के बाद हम इसे उघाड़ के फिर से इसे चला लेते हैं ताकि ये पकड़े ना। टाइम टाइम से इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये ना पकड़े कढ़ाई को, और अच्छे से भुंजा भुंजा जाए और खाने के लिए स्वादिष्ट लगे। तो इसमें हम नमक डाल दिए, थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा करेला और आलू का भुंजिया अच्छे से भुंजा गया है, पक गया है। तो इसे हम उतार कर बंद कर देंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम चावल लिए हैं, ये अचार है, ये साग वाला सब्जी है, ये करेला आलू का भुंजिया, और ये करेला और आलू का चटनी है। तो हम ऐसे ही करेला और आलू का भुंजिया बनाते हैं अपने तरीके से। तो आप लोगों को मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।